इन सिंपल क्यूबिक यूनिट से। सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे रहता है। ऑलरेडी हमने इसके पहले भी आपको पढ़ाया है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां रहेंगे? एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पे आपको दिख रहा, दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। कल हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले पीरियड में कि स्पेस लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। जब ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होगा इन ऑल डायमेंशंस, इट फॉर्म्स अ स्पेस लैटिस। बार बार रिपीट होने के कारण क्या होगा, यहां पे देखिए कि ये जो पार्टिकल रहेगा दैट गेट्स शेयर्ड बाय एट अदर यूनिट सेल्स। दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल बार बार रिपीट होके इन ऑल डायमेंशंस प्रोड्यूसेस स्पेस लैटिस। जब स्पेस लैटिस बनता है या पूरे स्पेस लैटिस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईच पार्टिकल एट द कॉर्नर इन दिस यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय एट अदर यूनिट सेल्स। मतलब क्या होगा कि एट यूनिट सेल्स कितने पार्टिकल को शेयर करते हैं? वन पार्टिकल। ऐसे कितने एक यूनिट सेल में अगर एक पार्टिकल है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्टिकल का? तो दैट विल बी 1/8 पार्टिकल। 8 यूनिट सेल अगर एक पार्टिकल को शेयर करते हैं तो एक यूनिट सेल कितने पार्टिकल को शेयर करेगा? 1/8 पार्टिकल को। अभी 1/8 पार्टिकल एग्जैक्टली कैसे रहता है? तो सबसे पहले हम यहां पे पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे बाय स्पीयर। दिस इज द स्पीयर विच रिप्रेजेंट्स द लैटिस पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसका कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर करते हैं 1। बाद में हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा, जिस जहां कॉन्ट्रीब्यूशन अब कितना रहेगा? 1/2, इसका आधा, इसलिए 1/2। बाद में इसे भी हम डिवाइड करते हैं यहां से। यहां से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, इस प्रकार से। और यहां जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इसका आधा, मतलब 1/4। और लास्टली हम इसको और डिवाइड करते हैं हाफ, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा जो इस प्रकार से रहेगा। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। तो अब देखिए 1/8 पार्टिकल इस प्रकार से यहां पे कैसे रहेगा। तो हम यहां डिपिक्ट कर रहे हैं, उसका पोजीशन आपको बता रहे हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से इसका पोजीशन, उसके बाद यहां पे रहेगा, देन यहां पे होगा इस प्रकार से ये रहेगा, एंड लास्टली दिस वे। इस प्रकार से 1/8 पार्टिकल का पोजीशन रहता है एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। नाउ टेल मी हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन टोटल इन दिस यूनिट सेल। टोटल 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। नाउ सी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन पार्टिकल इन दिस यूनिट सेल, दैट इज 1/8। Therefore, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा उसे ही हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स है? 8। इसलिए ए सभी पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा 1। एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन
simple cubic unit cell is equal to 1. तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है. वंस अगेन रिपीटिंग हियर, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट से पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. ये सिंपलेस्ट पार्ट रहेगा ऑफ स्पेस वर्टिस, ये जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं. ये यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है तीनों डायमेंशंस में, स्पेस वर्टिस को बनाता है. और जब हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो पता चलता है कि ईच पार्टिकल एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, जो यहां हम डिपिक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम याद रखना पड़ेगा कि हर पार्टिकल कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयर होगा, 8 यूनिट सेल के द्वारा. 8 यूनिट सेल अगर एक पार्टिकल को शेयर कर रहे हैं तो एक यूनिट सेल किस प्रकार कितने पार्टिकल को शेयर करेगा, 1/8 पार्टिकल को. अब ये 1/8 पार्टिकल किस प्रकार से होता है, तो यहां हमने आपको दिखाया है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन ओवर हियर. ये पूरा पार्टिकल रहेगा, कंट्रीब्यूशन 1 हो गया, इसका आधा रहेगा 1/2 हो गया, इसका और आधा किया 1/4 हो गया, इसका और आधा किया 1/8 रहेगा. और इस प्रकार से इस 1/8 पार्टिकल का पोजिशन आपको यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है. आगे बढ़ते हैं, ऐसे 8 पार्टिकल्स कॉर्नर्स में रहेंगे. फिर देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना, तो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसलिए 8 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी विल गेट 1. देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इक्वल्स टू 1. थैंक यू.